हमारे कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करने वाले एम्प्टी एक्सपेंसिव ब्लू सरफेस के नीचे सबसे आइकॉनिक वर्टिब्रेट्स का घर है, जो अपने स्केल्स, गिल्स और ऑब्वियसली फिन्स के लिए जाने जाते हैं। ये रेसिडेंट्स हैं फिशेस। फिशेस 450 मिलियन ईयर्स पहले से एग्जिस्टेंस में हैं और इस दौरान ये ऑलमोस्ट हर तरह के एक्वेटिक हैबिटेट में फिट होने के लिए रिपीटेडली इवॉल्व हुए हैं। इनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि लगभग 45-50% ऑफ वर्टिब्रेट मेंबर्स फिशेस हैं। इनका वर्ल्ड कितना फैसिनेटिंग है ना? चलिए एक डीप डाइव लेते हैं और इनके वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। प्लैनेट के वेटेस्ट एनिमल्स फिशेस सबफाइलम वर्टिब्रेटा के सुपर क्लास पाइसेस में आते हैं। पाइसेस के मेंबर्स पूरी तरह से एक्वेटिक लाइफ के लिए एडेप्टेड हैं और इनके कुछ बॉडी मॉडिफिकेशंस हैं, स्विम करने के लिए फिन्स, ब्रीथ करने के लिए गिल्स और आगे मूव करने के लिए टेल। इनकी बॉडी वाटर में एक क्विक पेस से ग्लाइड करने में हेल्प करने के लिए स्ट्रीमलाइंड है। ट्यूना जैसे फिशेस 70 किलोमीटर पर आवर के पेस से स्विम कर सकती हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्लोनेस के लिए जानी जाती हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस, जिसे कॉमनली सी हॉर्स बोलते हैं। ये 5 फीट के डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर लेते हैं। एक टॉर्टोइस से भी स्लो है ना? लेकिन सी हॉर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि बाकी फिशेस के ऑपोजिट जो हॉरिजॉन्टली स्विम करती हैं, सी हॉर्स वर्टिकली स्विम करते हैं। और फिश सिर्फ फॉरवर्ड स्विम कर सकती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ईल्स बैकवर्ड भी मूव करते हैं। चलिए अब फिश के फिन्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। उनकी बॉडी पर बहुत तरह के फिन्स होते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये फिन्स हैं पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, डॉर्सल फिन्स, एनल फिन्स और कॉडल फिन या टेल फिन। फिशेस फिन्स को मेजरली स्विम करने के लिए यूज करती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि मड स्कीपर्स अपने फिन्स का यूज लैंड पर वॉक करने के लिए करते हैं। कितना कूल है ना? नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन, जो फिश की बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये या तो कार्टिलेज या फिर बोन से बना होता है और इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर पाइसेस के अंडर सभी फिशेस को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली फिश को कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है और ये क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के अंडर ग्रुप्ड हैं। यहाँ कॉन्ड्रो टर्म का मीनिंग है कार्टिलेज और इक्थियोस का फिश। इसी तरह से बोनी फिशेस को ऑस्टिक्थीज क्लास के अंडर इंक्लूड किया गया है, जहाँ ऑस्टियो टर्म का मीनिंग बोन है और इक्थियोस का मीनिंग फिश। आइए दोनों क्लासेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शार्क्स, डॉगफिश या स्कॉलियोडॉन और रेज जैसे कि टॉर्पिडो कार्टिलेजिनस फिशेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अदर फिशेस जो मेजॉरिटी में होती हैं उनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस में कई डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ऑपरक्यूलम का है। ऑपरक्यूलम एक लिड जैसा स्ट्रक्चर है जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स को कवर करता है। ये बोनी स्ट्रक्चर है और इसीलिए सिर्फ बोनी फिशेस में प्रेजेंट है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स लिड्स एक्सपोज होते हैं। दूसरा डिफरेंस एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर एक एयर फिल्ड सैक है जो बॉयंसी में हेल्प करता है और फिश को ड्राउन होने से बचाता है। ये सिर्फ बोनी फिशेज में मिलता है और इन फिशेस को हमेशा स्विम करते रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ही प्लेस पर बहुत टाइम तक स्टैंड कर सकती हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश को ड्राउन होने से बचने के लिए अपने फिन्स को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहने की ज़रूरत होती है। बोनी और कार्टिलेजिनस फिश के बीच के ये डिफरेंसेस थे। आइए अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। अदर वर्टिब्रेट्स की तरह फिशेस का भी हार्ट होता है और फिशेस का हार्ट 2-चेम्बर्ड होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, मोस्ट ऑफ द फिशेस ओवीपेरस होती हैं और एग ले करती हैं, लेकिन शार्क्स जैसे कुछ फिशेस यंग वंस जिन्हें पप्स कहते हैं उन्हें डायरेक्ट बर्थ देती हैं। फिशेस गुड पेरेंट्स भी होते हैं और प्रॉपर पेरेंटल केयर दिखाती हैं। फिशेस लार्ज नंबर में एग्स ले करती हैं और नेस्ट बनाती हैं। काइक्लिट्स और कैटफिश जैसे कुछ फिशेस अपने एग्स को अपने माउथ में भी रखते हैं। चलिए अब वर्ल्ड की कुछ ब्यूटीफुल फिशेस को देखते हैं। पहले कॉन्टेस्टेंट में है इंडोनेशिया से सिंकिरोपस स्प्लेंडिडस, जिसको फेमसली मैंडरिन फिश और मैंडरिन गोबी के नाम से जाना जाता है। ये फिश की जगह इंट्रिकेट पेंटिंग की तरह ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि इसकी एंटायर बॉडी पर ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन अल्टरनेटिंग वेवी लाइंस बनी होती हैं। नेक्स्ट फिश टिरोइस वॉलिटेंस है, जिसे लायन फिश के नाम से भी जानते हैं। इन फिशेस को सिर्फ इनकी ब्यूटी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपने प्रेडेटर से बचने के लिए भी जाना जाता है।
एग्जाम्पल के लिए टॉर्पिडो या इलेक्ट्रिक रे अपने प्रेडेटर को स्केयर करने के लिए शॉक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टिंग रेज अपने पॉइजनस स्टिंग से स्केयर करती हैं और कुछ फिशेस इतना परफेक्टली कैमोफ्लेज करती हैं कि उनका प्रेडेटर उनके पास होकर भी उन्हें देख नहीं सकता। जहां एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश ह्यूज लीव्स ले सकती हैं, वहीं एनाबिस या क्लाइंबिंग पर्च पानी के बाहर रहकर अपने प्रेडेटर्स को अवॉइड कर सकती हैं। और स्टोन फिशेस हाईली पॉइजनस हैं। फिशेस कम्युनिकेट भी करती हैं। फिशेस ग्रंट, बूम, हिस, विसल, पीक, श्रीक और वेल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए फिशेस अपने एयर ब्लैडर के अगेंस्ट मसल्स को वाइब्रेट करती हैं। फिशेस के अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में इतना ही। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। फिशेस को सब फाइलम वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास स्पाइसेस के अंडर इंक्लूड किया जाता है। फिशेस रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करती हैं। फिशेस में एंडोस्केलेटन या तो बोन से या फिर कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्ट्रिक्थीज क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बोनी फिशेस को ऑस्टिक्थीज क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओपेकुलम एक बोनी लिड जैसा है जो गिल्स लिड्स को कवर करता है। ओपेकुलम सिर्फ बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजस फिशेस में एबसेंट होता है। फिशेस में एयर ब्लैडर बॉयंसी में हेल्प करता है। एयर ब्लैडर सिर्फ बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजस फिशेस में एबसेंट। फिशेस में टू चेंबर्ड हार्ट होता है। फिशेस मेजरली ओवीपैरस होती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि शार्क्स वीवीपैरस होती हैं। इसी के साथ हम फिशेस के इस फैसिनेटिंग सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई विल सी यू सून। टिल देन कीप लर्निंग।